पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सतीश मिश्रा जी, उभरते हुए नवयुवक आकाश आनंद जी, मंच पर बैठे हुए गठबंधन के नेतागण और आगरा में दूर दूर से आए हुए साथियों नवयुवकों, जो जोश है, जो उत्साह है, जो संख्या है, आपने तय कर लिया है कि दूसरे चरण में भाजपा का सफाया तय है। जो नफरत की राजनीति भाजपा ने मुजफ्फरनगर से शुरू की थी, एक गठबंधन की राजनीति ने वहीं से उस नफरत की राजनीति को खत्म करने का काम कर दिया है। पहले चरण के 8 सीटें ये हार चुके हैं, दूसरे चरण की सब सीटें हारेंगे और उत्तर प्रदेश से भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। क्या क्या बहन मायावती जी को एक षड्यंत्र करके इसी के द्वारा इन्होंने आपके बीच में आने से रोकने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं मोदी साहब, आज मायावती जी आपके सामने नहीं है, लेकिन वो आपके दिल में बसती है और आपका षड्यंत्र काम आने वाला नहीं है। क्या क्या वायदे किए थे, क्या क्या वायदे किए थे, अच्छे दिन आ गए? वो आपके अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे थे, मोदी जी तो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे थे। मोदी के अच्छे दिन आ गए ना? क्या सूट पहनता है आदमी, दिन में 3 बार बदलता। आप लाल टोपी लगा के खड़े बड़े खुश हो रहे हो, मोदी के हैट देखे हैं? और फिर कहते क्या मोदी जी, अभी सतीश मिश्रा जी ने भी बताया, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। हे भगवान, हम सबको फकीर बना दे, मुफ्त की खाएंगे, दुनिया भर घूमेंगे, 3 बार टीवी में भाषण करेंगे, और जब जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे तो कहेंगे मैं तो फकीर हूं, फिर देखूंगा। मोदी साहब, इस जनता ने तय कर लिया है, हम अपना अच्छा दिन इस चुनाव के बाद लाएंगे और आपका बुरा दिन आने वाला है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही काफी है मोदी जी, अब आप दिल्ली छोड़ के नागपुर चले जाइए, और कहीं आपको जगह मिलने वाली नहीं है। क्या क्या वायदे थे साहब, बाहर से काला धन ले आऊंगा, हर एक की जेब में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। पहुंच गए 15 लाख रुपए? पहले तो 15 लाख आए थे आपकी जेब में, अब क्या कहते हैं मोदी जी किसानों से क्या कहते हैं? तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। गरीब हो गया बेचारा, पहले 15 लाख दे रहा था, अब 2000 दे रहा है। मोदी साहब, किसानों को अपनी मेहनत का, अपना फसल का दाम चाहिए, आपकी खैरात की जरूरत नहीं है। किसानों याद करो, 2 अक्टूबर किसान जाना चाहते थे दिल्ली में अपने गन्ने का दाम मांगने, बिजली का रेट कम करने। क्या किया मोदी ने? गोली चलाई, लाठी चलाई, पानी बरसाया। अब आपको तय करना है, आप तो जाएंगे दिल्ली, भाजपा का एक एमपी दिल्ली जाने वाला नहीं है। और नौजवानों, 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करूंगा। आप रिपोर्ट देख लीजिए, सरकारी रिपोर्ट जो ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी बेरोजगारी 45 साल में कभी नहीं हुई जो मोदी राज में हुई। करोड़ों जॉब खत्म हो गए, 5 साल में मोदी सरकार ने एक सरकारी नौकरी में किसी की भर्ती नहीं की। 2 साल में योगी ने एक सरकारी नौकरी किसी नवयुवक को देने का काम नहीं किया।
प्रार्थना पत्र लिया जाता है, फीस ली जाती है, एग्जाम होता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। कभी हाई कोर्ट रोक देता है, कभी लीक हो जाता है, नए एग्जाम की तारीख हो जाती है, लेकिन सच यह है एक भी नवयुवक को रोजगार नहीं मिला है। लेकिन मोदी जी ने आपको एक तरीका बताया है अपनी जिंदगी बिताने का, पकौड़े बनाओ बेटा पकौड़े। मोदी जी कहते हैं पकौड़े बनाओ, अब और कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है, तो क्या करोगे? मोदी का ठोकर मारोगे, ऐसी ठोकर कि नागपुर में जाके गिरेगा, ये तो आपने तय कर लिया है। लेकिन अगर आप 5 साल का लेखा जोखा दोगे, नोटबंदी ने गरीब आदमी की रोजी रोटी छीनने का काम किया है, जीएसटी ने व्यापारी को बर्बाद कर दिया है, किसान की इतनी बुरी हालत आजादी के बाद कभी नहीं हुई थी जो आज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हर एक वर्ग से, 5 साल में आपकी आय कम हुई है या ज्यादा हुई है? कोई वर्ग मोदी जी से खुश नहीं है। लेकिन एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं कि मेरे सामने बहुत से टीवी वाले खड़े हुए हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप टीवी देखना बंद कर दो, सिवाय मोदी का प्रोपेगेंडा करने के, सिवाय हिंदुस्तान पाकिस्तान कश्मीर की बात करने के, ये आओ कोई खबर आपको देना नहीं चाहते। मोदी साहब ने 2014 में मेरठ में मीटिंग की थी, 3.25 लाख आदमी आए थे। 5 दिन पहले मेरठ में मीटिंग की, 22,000 आदमी आए थे, किसी टीवी ने दिखाया नहीं। सहारनपुर में सिर्फ 18,000 लोग थे, किसी टीवी ने दिखाया नहीं। और सहारनपुर की गठबंधन की रैली देखी थी आपने? अलीगढ़ की गठबंधन की रैली देखी थी? मेरठ की देखी थी? आज की रैली देखी है? अब मोदी साहब की यहां रैली करने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए अगर आप 2 दिन बस शांत दिमाग से अगर वोट देना चाहते हो तो टीवी को देखना बंद कर दो। बंद कर दोगे बस फिर तो गठबंधन ही जीतेगा और कोई जीतने वाला नहीं है। और चोर की जगह कहां है? चोर की जगह कहां है? बीजेपी का एक और प्रचार है, बीजेपी का एक और प्रचार है, बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री है मोदी, चोर का जमाना जाने वाला है, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। एक और प्रचार है भाजपा का, बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री है, 56 इंच की छाती है, दिल 1 इंच का भी नहीं है, इसके दिल में गरीब के लिए, अखिलियत के लिए, दलित के लिए, बेरोजगार के लिए, किसान के लिए कोई जगह नहीं है। इसके दिल में अंबानी अदानी, 1 मोदी 2 मोदी 3 मोदी 4 मोदी, जो भी बैंक से 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया ये उनका चौकीदार है, आपका चौकीदार नहीं है। मोदी जी हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री चाहिए। दिन में 3 बार इसके भाषण सुनो, रेडियो पे इसके मन की बात सुनो, हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे मन की बात सुने, ये आपकी बात सुनने को तैयार नहीं।
मोदी सच बोलता है कि झूठ बोलता है? भैया नहीं, ना ना ना, गलत बात है, हो गलत बात मत करो। ये झूठ नहीं बोलता, इसने आज तक एक सच नहीं बोला, एक सच नहीं बोला। इसको झूठ बोलने की आदत पड़ी है। मैं आपको बताऊं, राजीव शुक्ला का नाम सुना है? पत्रकार है, एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। 2003 में इन्होंने मोदी साहब का इंटरव्यू किया था, वीडियो ट्यूब पे है, देख लेना, यूट्यूब पे है इनका वीडियो। पूछा, आप कंप्यूटर की बात करते हो, आरएसएस तो कंप्यूटर की बात नहीं जानते? बोले मैंने मेहनत की है, सीखा है, कुछ सीख गया हूं। इसने शुक्ला जी ने पूछा, कहां तक पढ़े हो? बोले मैं हाई स्कूल पास हूं। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई एमए पास होना जरूरी नहीं है। लेकिन 3 महीने बाद जेटली साहब और अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक डिग्री दिखाते हैं मोदी साहब की, कि मोदी साहब ने एमए पास किया था इमरजेंसी के दिनों में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में, और एक कंप्यूटराइज डिग्री सबको दिखाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस नहीं। और इमरजेंसी के दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर नहीं था, हाथ से नंबर लिखे जाते थे, कोई कंप्यूटराइज डिग्री नहीं थी। एक दिल्ली सरकार के मंत्री ने अपना गलत एफिडेविट दिया था एजुकेशन का, उसको जेल जाना पड़ा। आरटीआई से हम कहते कहते थक गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज तक मोदी साहब की यूनिवर्सिटी हमको भेजने का काम नहीं किया है। क्या ऐसे झूठे आदमी को आप देश का भविष्य सौंप सकते हो? नहीं सौंपना है ना, मन बना लिया है, अब क्या कहने की जरूरत है। हमें नया चौकीदार चाहिए। हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें नया प्रधानमंत्री चाहिए। और वो नया प्रधानमंत्री आप लोग तय करने वाले हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी कर दो, नहीं रहने दो, रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जय हिंद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।